अगर आपको स्वस्थ रहना है तो ये 5 आदतें अपने जीवन में अपना लीजिए। हम अपने रोज के दिनचर्या में सुबह से रात के सोने तक न जाने कितनी गलतियां करते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है, और आप इन गलतियों को ध्यान भी नहीं देते। तो आइए आपको मैं ऐसे 5 गलतियों के बारे में बताती हूँ जिस पे हम ध्यान नहीं देते और उन गलतियों को हम कैसे सुधारें। हमारी पहली गलती, जब हम बाहर जाते हैं और कुछ भी खरीदते हैं तो बिना धोए एक फल उठाते हैं और उसे चख लेते हैं, ये पता करने के लिए कि फल मीठा है कि नहीं। ये गलती हमें बहुत भारी पड़ती है। एक तो हम बिना हाथ धोए फल उठा के चखते हैं, दूसरा ये न जाने उस फल को कितने लोग छुए होंगे, उसे भी बिना धोए खाते हैं। बिना हाथ धोए खाने से आपके हाथों के जरिए मुंह से पेट तक कीटाणु जा सकता है जो आपको बीमार बना सकता है। कभी कभी हम दुकान से पैकिंग का कुछ भी सामान लाते हैं तो उसका एक्सपायरी डेट नहीं देखते और इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये गलती जो दिखने में बहुत ही छोटी है, पर क्या आप जानते हैं ये गलती आपके लिए कितनी बड़ी समस्या ला सकती है। एक्सपायरी चीज़ों का सेवन करने से आपको फूड पॉइजनिंग भी हो सकता है, इसलिए हमें आदत बनानी चाहिए कि खाने से पहले हाथ धोए, जो भी मार्केट से चीज़ें ले रहे हैं उसका एक्सपायरी डेट जरूर देखें। तीसरी गलती हम ये करते हैं कि हम अक्सर अपने शौचालय को दिन में बहुत दफे प्रयोग करते हैं लेकिन हम उसे हर रोज साफ नहीं करते। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो सप्ताह में एक ही दिन शौचालय को साफ करते हैं। किचन में अक्सर महिलाएं खाना बनाकर रात को यूं ही छोड़ देती हैं। सिंक में जूठे बर्तन पूरी रात पड़ी रहती है, खाने के सामान को यूं ही खुला छोड़ देते हैं, कूड़े के डस्टबिन को ढककर नहीं रखते हैं। तो ये सारी छोटी बड़ी आदतें हमारे लिए बहुत बड़ी बड़ी परेशानी का कारण बन सकता है। तो आपको अपनी आदत बदलनी है और रोजाना शौचालय और किचन की सफाई करनी है। रात को कभी भी जूठी बर्तन ना रखें, सिंक को साफ रखें, नहीं तो कीटाणु जर्म्स बैक्टीरिया का खतरा रात भर में दुगनी हो जाती है। खाने की चीज़ों को हमेशा ढक कर रखें, खुले रखते हैं तो कॉकरोच चूहा और भी कई चीज़ें उसमें से खाने लगते हैं और आप उसी खाने को खाते हैं, इसलिए घर की सफाई पर हमेशा ख्याल रखना चाहिए। तीसरी, अब बारी आती है हमारी खान पान की। हमारी गलती ये है कि हम अपने खान पान पर ध्यान नहीं देते। हम अपने खाने का कोई समय निश्चित नहीं करते और कभी भी कुछ भी खा लेते हैं। बहुत ज़्यादा बाहर का खाना, अधिक जंक फूड खाना, अधिक तेल मसाला वाला खाना और हरी साग सब्जी सैलड का सेवन ना करना, ये सारी गलतियाँ हमारे शरीर को रोगी बनाने का कारण बनता है। अगर आपको अपना शरीर स्वस्थ बनाना है तो ये सारी गलतियाँ आज से बदलनी होगी। बाहर का खाना कम करें, जंक फूड से दूर रहें, कम से कम मसाले का प्रयोग करें, खूब सारा हरी साग सब्जी खाएं, सैलेड खाएं, इससे आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता बनी रहेगी और आपको बीमारियों से बचाए रखेगी। आप अपने खाने में साबुत दाल, दूध, दही, ताजे फल का प्रयोग करें। चौथा है, देर रात तक जगना ये हमारे शरीर के लिए ठीक नहीं है। हम देर रात तक जगते हैं और सुबह देर से उठते हैं, ये आदत हमारे शरीर को काफ़ी नुकसान पहुंचाती है। देर रात तक जगने से हमारी नींद पूरी नहीं हो पाती जिससे हमारे शरीर को आराम नहीं मिलता। हम सुबह जल्दी उठ नहीं पाते, हमारा मन आलस से घिरा रहता है, किसी काम को ठीक से नहीं कर पाते और हम तनाव से ग्रसित भी हो सकते हैं, इसलिए हमें रात को जल्दी सोना और सुबह जल्दी उठना चाहिए। अब हमारी आखिरी गलती ये है कि हम कभी भी योग एक्सरसाइज पर गंभीरता से ध्यान नहीं देते, ये बिल्कुल गलत है। हमें रोज योग करना चाहिए। अगर आप ज़्यादा वक्त नहीं निकाल पा रहे हैं तो कम से कम आधा घंटा जरूर निकालें और योग करें। अपने शरीर को एक्टिव रखने के लिए कुछ न कुछ एक्सरसाइज जरूर करें, दौड़ लगाएं, सीढ़ियां चढ़ें या योग या ध्यान लगाएं। इससे आपका पूरा दिन फ्रेश और अच्छा रहता है और आपको एनर्जी मिलती रहती है।
आपको काम करने में भी मन लगा रहता है और आप स्वस्थ रहते हैं। तो ये थे स्वस्थ रहने की 5 आदतें जो आपको अपने जीवन में जरूर अपनानी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मैं इस तरह के हेल्थ वीडियोस लेकर आती रहती हूँ। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।